हाय गाइस, पब्लिक डिक्लेरेशन सर्कुलर रिलीज बाय दी टीएसएस। ठीक है, आई एम श्योर आप लोग भी ये इन्फॉर्मेशन आई होगी कि टिस्नेट कैंसिल होकर सीयूटी पीजी आया हुआ है, इसमें कुछ पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, सो ये न्यूज़ मार्केट में रूमर बोल लो या फैल रही है। ठीक है, मेरे तक भी इन्फॉर्मेशन आई थी, सिंस आई वॉज नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ अ राइट सोर्सेज टू चेक द फैक्ट, सो मैंने भी वीडियोज़ नहीं बनाया। एनी वेज, तो जितने लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन थी या आपको लग रहा था, प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, मुझे लगता है ये इन्फॉर्मेशन टिस तक भी गई है, दैट इज़ वाई उनको पब्लिक डिक्लेरेशन रिलीज करना पड़ा है। ठीक है, टिस के ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर जाओगे, ये दिख रहा है पब्लिक डिक्लेरेशन, ठीक है, इट इज़ देयर। तो इनके वेबसाइट पर चले जाओ यार, और चलो मैं रीड करता हूँ आपके लिए, वॉट इज दिस पब्लिक डिक्लेरेशन। इट इज सेइंग दैट टिस इज अ लीडिंग हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, कंटिन्यूली स्ट्राइविंग टू बी अ वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, imparting knowledge, values and providing student an excellent learning experience through research and innovation in the field of management, sciences हो गया, हेल्थ केयर हो गया, सोशल साइंस हो गया, सोशल वर्क हो गया, अदर एरियाज दैट विल मीट द एस्पिरेशंस ऑफ नेशनल एंड वर्ल्ड कम्युनिटी। ठीक है, उसके बाद वो बोल रहे हैं कि टिस क्लैरिफाइज, इट इज इंपॉर्टेंट, टिस क्लैरिफाइज इट्स नॉन इन्वॉल्वमेंट ऑफ इट्स स्टूडेंट इन पार्लियामेंट मार्च ऑर्गेनाइज बाय यूनाइटेड स्टूडेंट ऑफ इंडिया ऑन 12th of January 2024। भाई ये मार्चिंग कुछ हुई है पार्लियामेंट में, आई मीन अब ये इन्फॉर्मेशन मुझे आज मालूम पड़ रही है ऐसा कुछ हुआ है। अगर आप तक ये इन्फॉर्मेशन, अगेन प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन। द इंस्टीट्यूट विशेज टू एड्रेस रिसेंट स्पेकुलेशन एंड र्यूमर्स सजेस्टिंग इट्स इन्वॉल्वमेंट विद पॉलिटिकल मिसक्रिएंट्स। द इंस्टीट्यूट कैटेगोरिकली बहुत क्लियर कर रहे हैं, वो डिनाइज एनी एसोसिएशन विद पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड अफर्म्स इट्स स्टेडफास्ट कमिटमेंट टू मेंटेनिंग अ न्यूट्रल एंड अ पॉलिटिकल स्टैंस। क्लियर कर रहे हैं भाई, ऐसा कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद बोला कि टिस हैज ऑलवेज प्रायोरिटाइज एकेडमिक एक्सलेंस, एथिकल वैल्यूज एंड कम्युनिटी सर्विस। द इंस्टीट्यूट्स प्राइमरी फोकस is on providing quality education, fostering intellectual growth and contributing positively to society. We do not endorse or support or participate in any form of political activities, बहुत clear कर रहे हैं वो, that may compromise our commitment to impartiality and academic integrity. ठीक है, बहुत सही है। उसके बाद है, इट इज इम्परेटिव टू क्लैरिफाई दैट टिस ऑपरेट्स विद अ स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट एंड अधेरेंस टू एथिकल स्टैंडर्ड्स। एनी असर्शन सजेस्टिंग अदरवाइज आर बेसलेस है, ठीक है, एंड विदाउट मेरिट। द इंस्टीट्यूट इनकरेजेस रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म, जो भी ये सब कर रहा है भाई, ठीक है, एंड फैक्ट चेकिंग टू इंश्योर एक्यूरेट रिपोर्टिंग। अगर ऐसा कुछ है तो भाई कुछ फैक्ट जमा करो। We urge the media and the public to rely on verified information and refrain from spreading baseless rumors about our institution's involvement in political matters. तो भाई political decision नहीं है ये, CUET का जो आया हुआ है वो TIS ने खुद ही decide किया हुआ है, this is what they are clarifying. ठीक है, इसमें ऐसा नहीं कुछ political pressure की वजह से उन्होंने change किया हुआ है। ठीक है, this is committed to maintaining a reputation of integrity and transparency in all its endeavors. ठीक है, so this is what the circular is by the TISS. तो जितने लोग भाई अभी तक ये mindset में हो ऐसा कुछ है तो वो TIS ने clear कर दिया है। ठीक है, so आपका क्या opinion है मुझे comment में लिख के बताओ, और बाकी CUET की पढ़ाई तो continue हमारी चली रही है, we are writing mock preparation lectures सब कुछ चली रहे है। ठीक है, सो वेरी सुन विल बी पोस्टिंग सम मोर वीडियोस, तो कुछ भी डाउट क्वेरी है तो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। इसको लेके आपका क्या सजेशन है, इस सर्कुलर को लेके, वो भी मुझे कमेंट में बताओ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।